thank you so much before joining this stage Ji told me shashangi we prize very, very very short in the speech so i prepared a very smallest speech for all of you which is written by one of the, my dearest associate who was who is also here that so i will without going to the opening lines of that speech i'll, I'll feel i'm not giving the justification justification to the concerned person who has drafted the speech for three four pages so i'll tell one line i am delighted to be here to celebrate the incredible achievements of the business world, 30 under 30 awardees. As young lawyers, you represent the future of legal profession in India, and it is an exist, existing time to be part of the dynamic and ever-changing field. Now, I will come to the very, 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 or very, very important aspect, which I'm not going to read through this speech, because Pramod Dubeyji is here, my brother, my sister, Sarukmaji is here, everybody will say, Shashank, you kuch not manse. So जब मैं इस साइड उस साइड का तो मैं देख नहीं पा रहा था पीछे कितने सारे लोग बैठे हैं बट इस साइडों से ज़रूर देख रहा हूँ थर्टी और अंडर थर्टी में क्या क्या होता है बिकॉज जब मैं लास्ट टाइम ही वॉज ड्राफ्टिंग इज स्पीच थ्री थ्राइस ही रिवाइज्ड ऑल थ्री पैरास की भाई स्पीच में क्या क्या लिखे हैं सर तो मैंने सिर्फ एक बात पूछा कि दस साल पहले मेरे साथ क्या हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ सब कुछ समझ में आ जाएगा लाइफ में दस साल में क्या चेंज होंगे और आने वाले बीस साल में क्या चेंज होंगे दस साल पहले मेरी शादी हुई शादी के बाद मेरी वाइफ सुप्रीम कोर्ट जाती हैं फर्स्ट टाइम और कहती है मुझे सुप्रीम कोर्ट दिखा लो मैंने कहा चलो भाई आप सुप्रीम कोर्ट चलते हैं देख लेते हैं उसी समय में यूनियन का लॉयर था सेम टाइम द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मैटर आई विक्रांत की पूरी टीम मेरे पास आती है और दे सेट मिस्टर वाजपेयी टुमारो दिस मैटर इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मुंबई में ऑप्शन होने जा रहा है यू नीड टू ड्राफ्ट एस ब्रीफ टुमारो मॉर्निंग मिस्टर से डाट लूतरा एंड वी नीड एस्टेन दट एट दैट पिटीशन मेरी मूवी की टिकट थी वाइफ ने कहा फर्स्ट टाइम डिसाइड कर लो क्या करना है मैं कहा शादी तो चलेगी ये पटीशन बनेगी तो लाइफ में कैरियर बहुत अच्छा हो जाएगा आपका वी वर्क होल नाइट टुमारो मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग 6 ए एम वी अप्रोच टू मिस्टर सिद्धार्थ लूत्रा वी ब्रीफ मिस्टर सिद्धार्थ लूत्रा सेवन पी एम वी फाइल पटिशन एस बिफोर द कोर्ट एंड नेक्स्ट वी गॉट ए फर्स्ट स्टे इन आई विक्रांत 10 साल पहले 2013, बड़ा अचीवमेंट था सेकेंड बड़ा अचीवमेंट था इर्शद जहान का मैटर उस मैटर में मेरी जो भी प्रजेंस थी वो आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने है थर्ड अभी प्रमोद जी से मेरी मुलाकात हुई लास्ट टाइम तो उन्हें बताया कि साहब रायपुर की छत्तीसगढ़ की पहली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ई की बेल हमारी तरफ से हुई है कहते भाई वो कैसे हुई है हमने कहा साहब मेरिट पे हुई है क्योंकि रायपुर में छत्तीसगढ़ में इन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट्स की बेल नहीं होती हैं आज तीस साल में अगर मैंने कुछ पाया है और कुछ खोया है क्योंकि आप तीस साल के वो लोग बैठे हुए हैं जिनसे जुड़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके पास तीस साल है मेरे पास वो दस साल निकल गए हैं शायद कोई भी ऐसा दिन नहीं है मेरी पंद्रह साल की छोटी सी प्रैक्टिस में जब मैं कोर्ट नहीं गया पंद्रह साल में कोई ऐसा दिन नहीं है जिसने जिस दिन मेरे पास एक दो तीन चार पाँच जो क्लाइंट हुए दो बड़ी छोटी बात और बताऊंगा अपने जीवन की जो अद्भुत मेरे जीवन में है आज के आठ साल पहले मैं सुप्रीम कोर्ट से मैं कानपुर का रहने वाला हूँ आई स्टैंडिंग आउटसाइड कानपुर सुप्रीम कोर्ट गेट नंबर सी एक आदमी आता है छोटा सा झोला लेके कि साहब मेरा एक मुकदमा है मैंने सोना गिरवी रखा था और सोना छुड़ा लिया उसके बाद उन्होंने जब डेढ़ अस्सी हज़ार रुपए थे छुड़ा लिया मेरे ऊपर एक केस रजिस्टर्ड हो गया एक केस ये है कि साहब वो सोना नकली था और मैं ज्वेलर हूँ वैल्यूअर हूँ और मैं परेशान हूँ मैंने कहा कोई बात नहीं आप परेशान हैं आप साहब मुकदमा देते हैं कैसे साहब फीस नहीं है पर मैं आम लाया हूँ आपके लिए तो मैं कहा ठीक है तुम्हारे आम के चक्कर में मेरे छब्बीस सौ रुपये की रेल की टिकट है फर्स्ट क्लास की मेरी और मेरी वाइफ की वो कैंसिल करानी पड़ेगी घर पर डिस्कस किया टिकट कैंसिल कराई फिफ्टी फोर मैटर सुप्रीम कोर्ट में उसने लगे हुए थे मैंंग बेंच में सिर्फ दो मैंशनिंग अलाउ होती है एक मेरी अलाउ होती है और एक दूसरी अलाउ होती है मैंशनिंग की साहब इस पर स्टे करिए और स्टे करने के बाद वो छः साल मैटर चला और सुप्रीम कोर्ट से मैटर जीते वो मेरी यंगेस्ट चार साल की प्रैक्टिस थी साहब आज देश के अनुराग जी जाँच कहते हैं कि मेरे पास देश के ऑलमोस्ट सारे बड़े डिपार्टमेंट्स हैं छोटा सा स्टार्टअप है मेरा बरधरमा चैम्बर्स के नाम से अंडर थर्टी में आप होते हैं तो आपको देखना क्या है पाना क्या है कुछ लोग यहाँ नहीं हैं अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में उनको मैंने कहा जब थर्टीज़ में हो तो जो पैसे कमाओ और पापा जो पैसे दें सबसे अच्छी गाड़ी में चलो जिससे मन में खुशी होती है बाद में सबके पास औरडी मर्सडीज बी एम डब्ल्यू आती हैं अर्लीस्ट एज की बेहतरीन कार होनी चाहिए कोर्ट में जब जाएँ अच्छे से कपड़े होने चाहिए खाने के लिए अच्छे से पैसे होने चाहिए जो आपको जिस होटल में खाना खाना है ठीक है तीन सौ चार सौ पाँच सौ हज़ार रुपये से ज़्यादा कहीं खाना मिलता नहीं है खूब मन से आप खाना खाइए शाम को पर जो होना क्या चाहिए आपको वो लोग होने चाहिए आपके साथ जो इस फील्ड में अंत तक आपके साथ हो वो लोग होने चाहिए आपके साथ जो आपसे दिल से आप दिल से बातें कर सकें वो लोग हों आपके साथ जो ये निश्चित रूप से कहें नहीं मैं आपका हूँ लीगल प्रोफेशन में आपका हूँ अगर आप परेशानी में है तो आपके साथ मैं खड़ा हूँ मैं उस समय पैसे नहीं कमाऊँगा इस स्पीच की मैं तीन तीन बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस थी जो मैं लास्ट में बताऊंगा उसने बार बार का लीगल इंडस्ट्री लीगल प्रोफेशन लीगल इंडस्ट्री नहीं है लीगल हमारा परिवार है जब न्याय पहली बार कोई आदमी आपके पास आता है और अपना दिल खोल कर रख देता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको एक फाइनेस्ट नहीं बेस्ट नहीं वह ओपिनियन दें जो आप अपने परिवार में अपने लिए एग्जीक्यूट करना चाहते हैं चाहे वो अपनी कंपनी आपके पास लेके आता है क्योंकि कंपनी पूरे जीवन में बनाई हुई वो महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो उसकी कई जनरेशन से चली आ रही होती है वो आपकी फर्म के पास आता है और ये कहता है ये मेरी कंपनी है इस कंपनी में ये गड़बड़ी हो गई है ये जानबूझ के हुई है ये अनजाने में हुई है ये मैंने की है ये भी होता है कभी कभी आप गलत डिसीजन लेते हैं प्रॉमिस करते हैं साहब कल पैसे दे देंगे नहीं दे पाए क्योंकि पैसे नहीं थे पर आज पैसे देना ज़रूरी था तो लीगल प्रोफेशन में जब दिल्ली में आया था तो मेरे पिताजी ने दो बातें कही थी बेटा ये दिल्ली है और दिल्ली में अगर आपको अच्छी वकालत करनी है और वकालत में टॉप पर पहुँचना है और टॉप पर पहुँचने के बाद अपना नाम इस धरती के इतिहास में अमर करना है तो आपने कितने मैटर किए मैट कोई कोई मान नहीं रखता आपने कितने मैटर किए क्योंकि शायद ऐसा देश में कोई बड़ा मैटर नहीं है जो मेरे पास ना हो कोई ऐसा बड़ा पैनल नहीं है जो मेरे पास ना हो कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं है जो मेरे चैम्बर में ना हो अगर मैं ये कहूँ नहीं आज कितने लोग दिल्ली में आपके साथ हैं कितने लोगों को आपने बनाया है कितने लोग आज आपके सुख दुख में आपके साथ खड़े हैं कितने लोग ऐसे हैं जिनके संग आप बार में खाना खा सकते हैं कितने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस ऐसे हैं जो ये कहें कि मेरे बच्चे को भी अपने जैसा ट्रेंड बना के अपने साथ लगा लो ये आपका एक अचीवमेंट होगा पहली बात दूसरी बात आपको जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है अकेले बढ़ने में हम लोग बढ़ जाएंगे आज थर्टी अंदर थर्टी क्योंकि आपके पास एक असाइनमेंट है एक अचीवमेंट है आप लोग यहाँ पर हैं अनुराग जी यहाँ पर हैं जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया एक लोगों को रिकॉग्नाइज़ किया और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही मुझसे शशांक जी जिसको हम अवार्ड देते हैं उस अवार्ड में एक बहुत बड़ी खास बात होती है वो ट्रू अवार्ड्स होते हैं उसमें कोई मैनुपलेसन नहीं होता है और वो लोग इस देश का फ्यूचर होते हैं जो मैंने जब देखा वो जूरी राउंड में था नीलवा मैम थी वहाँ पर कई लोग और चुप थे वहाँ पर कई लोग थे एक एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने सिंपल बात पूछी भाई आपके पास दस साल का क्या प्रोग्राम है अपने जीवन में तो कई लोगों ने बताया कितने इंडिपेंडेंट केसेस हैंडल किए इसका रीज़न ये नहीं था कि आपने किए हैं या नहीं किए इसका रीज़न सिर्फ ये था कि आज आपके अंदर लीडरशिप स्किल है हाँ है कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंचूड़ के आने के बाद जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो तो ये चेंज आया है कि आज वहाँ सीनियर जूनियर का भेद ख़त्म हो गया है आप अपनी बात कहिए आपको रिलीफ मिलेगा आप कोर्ट में आइए हर व्यक्ति चाहता है छोटा परिवार है एक बेटा एक बेटी दो बेटा दो बेटी ज़्यादा नहीं है परिवार में कि एक ही अच्छा वकील बने ना बने अच्छा इंसान बने अच्छे लोग आए हमारे बीच में आएँ मेरी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है दिस इज द फाइनेस्ट आफ्टर टेन इयर्स आप कहाँ होंगे ये इस बात से जज नहीं किया जाएगा आपके पास कितनी कितनी सारी चीज़ें हैं ये इससे जज किया जाएगा कि आप कितने अच्छे लॉयर हैं कितने ज़्यादा जजेस आपके चेंबर से बने हैं कितने ज़्यादा लॉयर्स आपके चैंबर से बने हैं कितने लोगों को आपने ग्रोथ दी है शायद एक ग्रोथ एक ब्रीफ जो आप किसी को देते हैं कि भाई ये मैटर आप कर लेना आप किसी को एक असाइनमेंट देते हैं आप किसी को एक अचीवमेंट का के साथ उसकी खुशी में अपनी खुशी मिलाते हैं और खड़े होते हैं तो आपको लगता है हाँ मैंने कुछ पाया है अपने जीवन में मुझे कुछ आगे देना है किसको लीगल प्रोफेशन को नहीं सुप्रीम कोर्ट था सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट चलता रहेगा हाई कोर्ट था हाई कोर्ट है चलता रहेगा आम होंगे या नहीं होंगे ये गॉड का दिया हुआ ग्रेस है कि आज आप इस देश के सबसे बड़े सबसे बड़ी धरती पर सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ सबसे बड़े लोगों को एडवाइस करने के लिए सबसे बड़ी फर्म्स में काम कर रहे हैं सबसे बड़े अवार्ड्स के लिए चुने जा रहे हैं सबसे बड़े डिग्नेटरीज जो भी यहाँ पर आने वाले हैं उनके बीच में वो आपको अवार्ड देंगे और ये आपके लाइफ का एक अचीवमेंट होगा कि दस साल पहले मुझे एक बिजनेस वर्ल्ड ने मुझे अवार्ड दिया था कि मैं वन ऑफ द इमर्जिंग लॉयर था वन ऑफ द फाइनेस्ट लॉयर था वन ऑफ द टॉप लॉयर था इस कंट्री का और आज के दस साल बाद जब आप अंडर फोर्टीज़ में होंगे अंडर फिफ्टीज़ में होंगे अंडर सिक्सटीज़ में होंगे तो ये रिस्पॉन्सबिलिटी होगी कि मैंने जब तीस साल में उसको मेनटेन किया है तो साठ साल में भी मुझे उसको मेनटेन करना है और मेन्टेन करने के बाद कम से कम तीन काम जरूर करिएगा क्या क्या करना है ये आप कुछ बताएं तो मैं एक तो फिर मैं बताता हूं जो भी जिसको अवार्ड मिलने वाला है एक लोग बताएं कि यार तीन काम जरूर मैं क्या करके जाऊंगा यहां से बताइए भाई जिसको अवार्ड मिलने वाला कोई तो होगा नॉट अनाउंस नॉट रिक्वायर्ड तीन काम लास्ट में जरूर कर लीजिएगा ये जो तीस लोग बैठे हैं अपने नंबर एक दूसरे से जरूर एक्सचेंज कर लीजिएगा तीस तीन कम से कम साल में एक बार जरूर मिल लीजिएगा कि हम लोग साहब वहां मिले थे उस अवार्ड फंक्शन में मिले थे क्योंकि कॉन्टैक्ट आज के समय में मोबाइल नंबर है इफ़ आप कार्ड छोड़ देते हैं भूल जाते हैं नहीं मिलिए अपने नंबर कॉन्टैक्ट शेयर करिए और इन तीस लोगों में से देखिएगा आगे वाले दस साल में बीस साल में तीस साल में अगर हमारे तीन लॉयर्स देश को रिप्रेजेंट करते हैं इस देश के टॉप लॉयर्स होते हैं चाहे वो हरीश सालवे की जगह चाहे कपिल सिब्बल की जगह चाहे अभिषेक मनु सिंह भी की जगह चाहे तुषार मेहता जी की जगह चाहे मुकुल जोधगी की जगह तो ये अवार्ड का फंक्शन निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा क्योंकि इसके जो स्पीकर्स हैं उन सबके सामने वन ऑफ द आई यंगेस्ट एम एफ यंगेस्ट स्पीकर हूँ और वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्पीकर हूँ तो मेरी आप सबसे यही प्रार्थना है कम से कम मिलिए बात करिए फ्यूचर इससे डिसाइड होगा कि आपकी ओपिनियन कितनी प्योर है कितनी अच्छी नॉलेज है मुकदमा ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब प्रमोद जी बैठे हुए हैं शाम को चले जाइएगा साहब फ़ीस नहीं मिलेगी हमें सजेस्ट कर दीजिए सूद साहब बैठे हुए सजेस्ट करेंगे आपको मुकदमा जिताएंगे आपको हर चीज़ बताएंगे लास्ट मॉकेट पे फीस भी नहीं लेंगे आपसे कि भाई चलो तुम तुम्हारी ग्रोथ हो जाए पर आपने क्लाइंट को ठग लिया कभी नहीं बढ़ेंगे गलत एडवाइस कर ली कभी नहीं बढ़ेंगे आपने थोड़े से शॉर्टकट्स लिए कभी नहीं पड़ेंगे क्योंकि ये प्रोफेशन स्टार्ट ही होता है फिफ्टी के बाद तो बीस साल का जो बड़ा पीरियड है वो दस साल पहले नव देखी गई मूवी आज मेरी वाइफ को सौ मूवी दिखाती है बड़ी खुश होती है कि आपने अच्छा किया उस समय एन एस विक्रांत में नहीं गए गए होते तो आज आपका नाम ना होता तो मेरी आपसे बहुत अच्छी रिक्वेस्ट है और सब लोगों से जो इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी बदलेगी आपको जब ग्लोबल लॉयर बनेंगे इंडिया में रहना पड़ेगा उड़ीसा जाना पड़ेगा कभी गुजरात जाना पड़ेगा कभी छत्तीसगढ़ जाना पड़ेगा लोकल लैंग्वेज में लोगों से कनेक्ट होइए लोकल लैंग्वेज में हमेशा किसी से खूब बातें करिए खूब बात करते बात एक बात का बस ध्यान रखिएगा कभी किसी का आपकी भावना आपके अहंकार आपके कपड़े आपकी गाड़ी आपकी नॉलेज से किसी का हृदय ना दुखे भारत का जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है जो आज के समय चल रहा है जो बहुत इमर्जिंग फील्ड है वो है मैट्रीमोनियल लॉस फैमिली लॉस या एक एक डाइवोर्स पटिशन दो साल तीन साल चार साल पाँच साल चलती है और डे वन जब एडवाइस के लिए लोग आते हैं मेरे पास भी आते हैं कई चीज़ें है, प्रोफेशनल हैं तो जब प्रोफेशनल वर्ल्ड में आते हैं डिफरेंट है फर्स्ट यही करते हैं साहब फोर नाइनटी एट का केस रजिस्टर कराएंगे पाँच केसेज होंगे एंड ऑफ द डे बत्तीस केसेस मिलेंगे एन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट का केस रजिस्टर्ड होता है डे वन ट्रायल कोर्ट से बेल शुरू होती है एंड तक कोई बेल नहीं होती है कोई रिलीफ नहीं मिलता है हम कहते हैं हम साहब आपके लिए जस्टिफिकेशन के साथ लड़ रहे नहीं उस टाइम क्लाइंट को आप लॉयर नहीं चाहिए होता है उसके परिवार का एक सदस्य चाहिए होता है जो उसको अचीव मेंट के रूप में सबसे आगे ले जाए इसी के साथ मैं आपसे सिर्फ निवेदन करूंगा कि थोड़ी सी चीज़ों को आने वाले समय में बहुत परिवर्तित होती हुई दुनिया में अपनी मानवीय भावनाओं को मानवीयता के साथ जोड़े रखिए और कभी भी लोगों से दूर मत होइए अपने लोगों से दूर मत होइए प्रोफेशन में सफलता आएगी और बहुत आएगी सफल हम हैं थे और होंगे क्योंकि आज हम यहाँ पर हैं कोई हमें सफल होने से रोक नहीं सकता क्योंकि जिस फील्ड में है जिस जगह बैठे हैं जिन लोगों के द्वारा बैठे हैं उसमें अनुराग जी जिस तरह से आज एफर्ट्स कर रहे हैं वो निश्चित रूप से कभी न भूले जाने वाले एफर्ट हैं ये अवार्ड आपके आपके चैम्बर में आपके घर में आपके परिवार में आपकी शोभा नहीं आपकी रिस्पॉसिबिलिटी को बढ़ाएगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कंट्री के प्रति फ्यूचर के प्रति और उस देश की सबसे बड़ी सबसे बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट और उसके प्री सबसे बड़ा न्याय का जो ग्रंथ माना जाता है वह संविधान के प्रति वो है सच्ची निष्ठा सच्ची श्रद्धा सच्ची भावना और उस भावना से आपका कनेक्शन और आपकी ईमानदारी आपको आगे बढ़ाएगी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा धन्यवाद थैंक यू सो मच नमस्कार